दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा से जुड़े विषयों की चर्चा की इस श्रृंखला में मैं श्री राम मित्तल दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, पिछले एपिसोड में हमने अबेकस पर गुणा कैसे करते हैं यह समझने की कोशिश की थी और ऐसे सवालों को समझने का प्रयास किया था जिनमें गुणक या मल्टीप्लायर एक डिजिट वाली संख्याएं होती हैं। आज हम लोग ऐसे सवाल हल करने की विधि समझने की कोशिश करेंगे जिनमें गुणक या मल्टीप्लायर दो अंक वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 12, 22, 28, 42 आदि। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अबेकस पर हमको गुण्य या मल्टीप्लिकेंड संख्या जो है उसको लिखने के लिए एक विशेष विधि है, और वो यह है कि गुणक में जितने अंक होते हैं उसमें एक अंक जोड़कर जो संख्या बनती है उतने कॉलम हम अबेकस पर दाहिनी ओर से खाली छोड़कर इकाई मानते हैं और फिर मल्टीप्लिकेंड या गुण्य को लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमको 54 को 45 से गुणा करना है तो इसमें हमारा गुणक या मल्टीप्लायर 45 है, और आप जानते हैं 45 में दो अंक होते हैं 4 और 5, दाही 4 इकाई 5, और 2+1 चूंकि 3 होता है इसलिए हम दाहिनी ओर से 3 कॉलम खाली छोड़ेंगे और चौथे कॉलम को इकाई मानते हुए 54 लिखेंगे। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमारा बेकस ये 0 पोजीशन पर है और हमें गुणा करना है 54 को 54 को 45 या 45 से। तो हम दाहिनी तरफ से 3 कॉलम खाली छोड़ेंगे, 1, 2, 3, और ये चौथा कॉलम है यहाँ पर 4 लिखेंगे, और ये पांचवा कॉलम है यहाँ पर 5 लिखेंगे। और गुण्य जो है, ये गुण्य हो गया हमारा, और गुणक जो है वो हम कहाँ लिखेंगे, बाई ओर 4 और 5। अब हम गुणा करना शुरू करेंगे। गुणा करना सीखने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अब जब अबेकस पर हम गुणा करते हैं, दो अंकों वाली गुणक संख्याओं से गुणा करते हैं, तो हम साधारण तरीके से जो गुणा करते हैं पेपर पेंसिल से, उसमें हम इकाई से पहले गुणा करते हैं, इकाई से इकाई को, फिर इकाई से दाई को, और फिर दाई से इकाई, और फिर दाई से दाई को गुणा करके जोड़ते हैं। अबेकस पर हम इसका उल्टा विपरीत करते हैं, तरीके से करते हैं, मतलब पहले दाही के अंक से गुणा करते हैं और फिर दाही के अंक से इकाई को गुणा करते हैं, फिर इकाई के अंक से इकाई को गुणा करते हैं और इकाई को हटा देते हैं, और फिर इकाई के अंक से गुणा करते हैं दाही को, इकाई को, और फिर इकाई से दाही को गुणा करते हैं, और फिर दाही से दाही के अंक को गुणा करते हैं। अब इसी उदाहरण में हम देखते हैं, इसी को हल करके समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम गुणा कर रहे हैं तो हम अपनी बीच की उंगली को 4 पे रखेंगे और बाएं हाथ की उंगली को, अभी तो मैं दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर को रख रहा हूं, पर हम रखते बेसिकली बाएं हाथ की उंगली को, इंडेक्स फिंगर को है। 4 × 4 बराबर क्या होता है, 1, 6। जैसे ही हम 1 बोलते हैं
उंगली खिसक के हमारी तीसरे कॉलम पे आती है, और जैसे ही छह बोलते हैं उंगली खिसक कर हमारी दूसरे कॉलम पे आती है और यहाँ पर छह सेट कर देते हैं। यहाँ पर एक यानी कि तीसरे कॉलम में एक और दूसरे कॉलम में छह। अब हम फिर से चार से पांच को गुणा करते हैं और चार पंजे क्या होता है, चार पंजे इस अब हम अपने पांच से चार को गुणा करते हैं, उंगली चार पे रहेगी, बीच की उंगली चार पर और इंडेक्स फिंगर पांच में, पांच चौक दो और जीरो, दो जो है हम दूसरे कॉलम में जोड़ेंगे, ये हमने दो जोड़ दिया और यहां पर जीरो यानी कि थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिया। अब चूंकि हमने इस चार को चार और पांच दोनों अंकों से गुणा कर लिया इसलिए इसको हटा देंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे अबेकस पर एक आठ और जीरो है जो 45 गुणा चार के बराबर होता है। अब हम अपनी उंगली को चार और पांच पे रखेंगे यानी कि 54 वाले पांच पर और 45 के चार पर, और अब हम गुणा करते हैं चार पंजे दो, जैसे ही दो कहेंगे उंगली चौथे कॉलम में आई और यहां पर हम दो सेट कर देंगे, और जैसे ही जीरो कहेंगे उंगली तीसरे कॉलम में आ जाएगी, यहाँ दो सेट किया हमने, उंगली तीसरे कॉलम में आ गई और यहाँ थोड़ा सा प्रेस कर दिया। अब हम कहेंगे पांच गुणा पांच बराबर दो पांच, दो यहाँ तीसरे कॉलम में ऐड होगा, जोड़ा जाएगा, ये हमने जोड़ दिया, और फिर जैसे ही पांच कहा उंगली हमारी दूसरे कॉलम में आई, यहाँ पर पांच जोड़ना है, पांच हम जोड़ नहीं सकते हैं तो हम पांच का नियम लगाएंगे, पांच क्लियर किया और बाई तरफ एक सेट कर दिया। अब अगर आप देखें हमारे पास चौथे कॉलम में दो है, तीसरे कॉलम में चार है, दूसरे कॉलम में तीन और पहले कॉलम में जीरो है, और इधर ये पांच है, चूंकि इस पांच को हमने 45 से गुणा कर दिया तो इस पांच को हटा देंगे और यहां से आंसर पढ़ना शुरू करेंगे, हमारा आंसर होगा 2430। अगर आप 45 से 54 को गुणा करके देखें कागज पेंसिल पेंसिल से कागज पर तो आपको उत्तर यही मिलेगा 54 को 45 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, हम एक और उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करेंगे। और अब हम एक सवाल लेंगे 87 को 56 से गुणा करेंगे, इसमें 56 क्या है, गुणक है, तो गुणक को कहां सेट करेंगे, बाईं ओर, और ये पांच और ये छह, ये 56 हो गया। 56 में कितने अंक हैं, दो हैं, और दो प्लस एक क्या होता है, तीन, तीन अंक कॉलम खाली छोड़ेंगे, एक दो तीन, और यहां पर हम 87 यानी कि ये सात और ये आठ, ये सेट कर लेंगे और अब हम गुणा करना शुरू करेंगे। अपना पुराना वाला पहले वाला तरीका याद रखेंगे, सात पर उंगली रखेंगे क्योंकि पहले हमको सात को गुणा करना है, और गुणा पहले सात को किससे करेंगे, पांच से, पांच सते क्या होता है, तीन, पांच, जैसे ही तीन बोलेंगे तीसरे कॉलम में उंगली आएगी और तीन लिखेंगे यहां पर सेट करेंगे, और जैसे ही पांच बोलेंगे दूसरे कॉलम में उंगली आएगी यहां पर पांच सेट कर देंगे। अब हमने चूंकि पांच से इस सात को गुणा कर लिया है, अब हम छह से भी सात को गुणा करेंगे और उंगली हमारी
जो है कहाँ रहेगी, दूसरे कॉलम में, क्योंकि यहां पर हम 5 सेट कर चुके हैं। 6 सतह क्या होता है, 4 ये सेट कर दिया हमने, और 2 पहले कॉलम में 2 सेट कर दिया। अब चूंकि 7 को हमने 5 और 6 दोनों से गुणा कर लिया है, इसलिए इस 7 को हटा देंगे, ये हटा दिया। देखिए अब अगर देखें हम, तो हमारे अभिकर्ष पर तीसरे कॉलम में 3 है, दूसरे कॉलम में 2 है, और पहले कॉलम में, तीसरे कॉलम में 3 है, दूसरे कॉलम में 9 है, और पहले कॉलम में 2 है, मतलब 392। और अगर आप 56 को 7 से गुणा करेंगे तो आपको उत्तर 392 ही मिलेगा, और वही हमारे अभ्यकर्ष पर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 को 5 और 6 से गुणा करेंगे, फिर अलग है। अब 5 से 8 को जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, 5 8 4, जैसे ही 4 का उंगली यहां पर आई और यहां हमने 4 सेट कर दिया, और 0 उंगली हमारी यहां पर आ गई जहां 3 है। अब हम क्या करेंगे, 6 से 8 को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 6 से इस 8 को, 6 8 क्या होता है, 4 8, यहां 4 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते हैं, 4 का नियम क्या है जोड़ने का, याद है आपको, 1 क्लियर करेंगे हो गया, 5 सेट कर देंगे। और फिर जैसे ही 8 बोला, उंगली हमारी दूसरे कॉलम पे आई, और यहां पर हमको 8 जोड़ना है, 8 हम जोड़ नहीं सकते हैं, 8 का मतलब होता, अगर आपको याद हो, 3 जमा 5, तो 3 जोड़ेंगे पहले, 3 का नियम क्या था, 2 क्लियर करेंगे हो जाएगा, 5 सेट करना है नहीं होता, ठीक है। तो हम 5 का नियम लगाएंगे, क्या है 5 का नियम, 5 क्लियर करेंगे हो जाएगा, 1 सेट करेंगे यहां पर, ये भी हो जाएगा। और अभी तक आपने केवल 3 जोड़ा है, आपको जोड़ना क्या था, जोड़ना था आपको 8, तो ये 5 नीचे ले आएंगे वापस, 5 जोड़ देंगे। और अब चूंकि इस 8 को हमने गुणा कर लिया है, इसलिए इस 8 को क्लियर कर देंगे, और अब उत्तर पढ़ेंगे, देखते हैं। हमारा यहां पर पहले कॉलम में क्या है, 2, दूसरे कॉलम में 7, तीसरे कॉलम में 8, और चौथे कॉलम में क्या है, चौथे कॉलम में क्या है, 4। तो उत्तर हमारा क्या हुआ, 4872, यानी कि 4872। अगर आप पेंसिल से कागज पर 87 को 56 से गुणा करेंगे तो आपको उत्तर 4872 ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम 2 अंकों वाली गुणक संख्याओं से गुणा कर सकते हैं। और बात सिर्फ एक ध्यान में रखने की है कि हम अभेकस पर जब गुणा करते हैं, 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, तो हम गुणक की दोनों अंकों से पहले इकाई के अंक को गुणा करते हैं, और उसको फिर तीसरे, दूसरे व दूसरे और पहले कॉलम में सेट करते हैं, तीसरे दूसरे कॉलम में सेट करते हैं, और फिर दूसरे और पहले कॉलम में सेट करते हैं, तीसरे दूसरे दूसरे और पहले में, और इकाई के अंक को हम हटा देते हैं, फिर दाई के अंक को इसी तरह से हम गुणा करते हैं, और उसको चौथे तीसरे कॉलम में एड लिखते हैं या सेट करते हैं, और फिर और तीसरे और दूसरे में सेट करते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने जब 87 को 56 से गुणा किया, तो पहले 5 से 7 को गुणा किया, गुणा करने पर आया 3 5, 3 तीसरे कॉलम में और 5 दूसरे कॉलम में सेट किया। जब हमने 5 से जो है 8 को गुणा किया, जब हमने 5 से 6 से 8 को गुणा किया,
तो चार दो आया, चार हमने दूसरे कॉलम में जोड़ा और दो पहले कॉलम में सेट किया। और चूंकि 87 के 7 को हमने 5 और 6 से गुणा कर लिया, इसलिए उस 7 को हटा दिया। और फिर 8, 8 से पहले हमने क्या किया, 8 से पहले हमने क्या किया, सॉरी 5 से हमने पहले 8 को गुणा किया, 4 हमने कहाँ लिखा, चौथे कॉलम में, 0 तीसरे कॉलम में, और फिर 6 से 8 को किया, 4 हमने तीसरे कॉलम में जोड़ा, जो जोड़ नहीं पाए थे तो 4 का नियम लगाया, फिर 8 दूसरे कॉलम में सेट किया, वहां पर भी 8 नहीं जोड़ सकते थे, तो 8 जोड़ने की विधि का प्रयोग करते हुए 8 जोड़ा। और फिर चूंकि 8 को हमने गुणा कर लिया था, इसलिए उस 8 को हटा दिया, क्लियर कर दिया, और उत्तर हमने देखा तो हमारा उत्तर 4872 है। तो दोस्तों इसी तरह से हम गुणा करेंगे, कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप 22 को 24 से, 32 को 45 से, 55 से, 66 को, या 225 को 42 से, इस तरह की संख्याओं का गुणा करके अभ्यास पर गुणा करने का अभ्यास करें। यदि कोई कठिनाई हो कहीं पर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब मैं आपको 3 अंकों वाली गुणक संख्याओं से गुणा करने की विधि समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे 325 को 224 से। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।